तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कि गायों के बांधने के लिए ही ये जो देख रहे हो ना आप, ये ऐसे खुंटे कैसे रोपे जाते हैं। देखिए ये कुछ छोटे बच्चों के लिए ऐसे है, ऐसे भी होते हैं और ये खुंटे रोपते हैं। एक्चुअली क्या कुछ इधर उधर इनको जगह चेंज करनी पड़ती है दिन में 2-3 बार, इसलिए खुंटे रोपे जाते हैं। और ये क्या है, खुंटों को तोड़ भी देते हैं। आपको पता है पशुओं के अंदर कितना जोर होता है, तो ये खुंटे तोड़ देते हैं। तो हम आज रोपने वाले हैं खुंटा, एक और खुंटा बोल लो, कुछ भी बोल दो, मुझे नहीं पता और क्या बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ पे खुंटा ही बोलते हैं। तो ये लकड़ी का खुंटा है जिसको अभी रोपेंगे। और इसके लिए एक चाहिए हमें सब्बड़, एक चाहिए हमें कटोरी, ठीक है, खोदने के लिए। और फिर इसको रोपेंगे। देखिए इसको है ना लगभग यहाँ तक इसको नीचे खोदा रोपा जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो को एंड तक देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम रोपने जा रहे हैं खुंटा, आपको मैं दिखाऊंगा। ये है खुंटा रोपने, अब मुझे नहीं पता यार इसको क्या बोलते हैं, खुंटा है आप जो भी समझ लेना। यहाँ पे क्या नीचे ज़मीन में पत्थर वगैरह भी कुछ ना कुछ होते हैं, तो बिल्कुल पहले ही हम इससे सब्बल से ऐसे इसको तोड़ते हैं, बीच में पत्थर वगैरह आ जाते हैं, देखिए ऐसे निकलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ जगह का यूज किया जाता है, ठीक है। मैंने जगह पहले इसके अंदर जो मिट्टी है इसको पहले सॉफ्ट कर लिया इससे मार मार के, और अब इससे मैं मिट्टी को साइड में निकाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे कटोरी अटक रही है, यहाँ पे पत्थर है, ठीक है, ऐसा करके हम रोकेंगे। ये अटक रही है, इसको सुबह सुबह मम्मी ने ये काम लगा दिया। काम तो आपको पता है करना पड़ता ही है, घर पे सारे काम कर सकते हैं। तो अब देखिए मैं इतना ये खो देता हूँ इसको फटाफट। क्या कर रहा है? खुंटो खुंटो रोपा, खुंटो उनके इसके अंदर कपड़े वपड़े भी आ जाते हैं उनको, कटरम सटरम जमीन के अंदर आपको पता है। 2-3 महीने और रोप दियो। किन्ने? एक बट्ठा सी रे बट्ठा से अब रोपन लग रही हो जब। ठीक है देखिए अब आपको दिखा देते हैं। ये रे डोकड़े, हाँ ये देखिए ये होल खुद गया, इतना खुद गया, मिट्टी मिट्टी हो गई है। देखिए थोड़ा सा और खोदना पड़ेगा ना, बड़ा हो जाएगा। ठीक है थोड़ा सा और खोदते हैं। एक तो इतनी गर्मी तो बस वो पसीने पसीने हो गए, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बस रखना कोई मजाक वाला बात नहीं, इसलिए हर कोई रख नहीं पाता है। और अब ऐसे मुझे सुबह सुबह 3-4 रोपने हैं इस पसीने गर्मी के अंदर। देखिए ये इतना होल हो गया, मेरा हाथ पूरा आ रहा है। अब इसके अंदर हम डालते हैं ये खुंटा, देखिए सही है ना। अब इसको टाइट कर देते हैं हम, ठीक है। देखते हैं इसके अंदर पहले क्या है, थोड़ी सी सूखी मिट्टी डालनी होती है ताकि सही से सेट हो जाए। फिर इसके अंदर थोड़े पत्थर वगैरह डालते हैं, ठीक है। और ये सूखी मिट्टी मेरे पीछे पड़ी है, इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। इसको
इसको बहुत टाइट करना पड़ता है। ये जो पत्थर निकल रहे थे ना पहले ऐसे ही निकलते हैं, क्योंकि ये जब ये रोकते हैं ना उनका ये लकड़ी उसमें डालने पड़ते हैं। और देखिए पसीना बुरा हाल हो रखा है, पसीने से गर्मी इतनी है। तो ये है एक मतलब रियल लाइफ विलेज की। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आप देख सकते हो। और अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है गायों को कैसे रखते हैं क्या क्या काम करते हैं, तो आप देख सकते हो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, अदरवाइज प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो दोस्तों इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा टाइट। अब इसके अंदर पत्थर डाल दिए, अब इसके अंदर डाल देते हैं ये मिट्टी वापस। ये देखिए इसको करता हूँ मैं टाइट, अभी भी ये थोड़ा हिल रहा है, मतलब मेरे ज़ोर से हिल रहा है। तो अभी तो आप सोच लो कि गाय के अंदर भैंस के अंदर कितना ज़ोर होता होगा, और वो तो पूरा कूदती है भागती है, बहुत कोशिश करती है तोड़वाने की। इसको बहुत मेहनत से दबाना पड़ता है अब इसको थोड़ा सा। से क्या होगा ये जगह जहाँ पे भी होगी वहाँ पे ये जगह छोड़ देगा अपनी, फिर इसको और शुरू कर देंगे हम। बोलते हैं ना घी इतना महंगा क्यों है, दूध इतना महंगा क्यों है। देखो ये होता है देसी घी, महंगा होने का दूध महंगा होने का रीज़न इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ऊपर से खड़ वगैरह चूरी वगैरह डालते हैं वो भी बहुत महंगे आते हैं, शायद 1500 या 2000 की एक बोरी आती है 50 किलो की 15 दिन। अब भी ये थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, इसको टाइट किया जाएगा। इनसे क्या है साइड की बॉर्डर पे बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा पत्थर डालने से। इसको थोड़ा और जमा दिया जाएगा, इस जगह को लेवल कर दिया जाए। ठीक है ये तैयार हो गया। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आपके लिए ऐसे ही कुछ वीडियोज़ लाता जाऊँगा जो यूनिक होंगे। आपने ब्लॉग्स बहुत देखे होंगे बट ऐसे ब्लॉग्स बहुत कम मिलते हैं जो रियल लाइफ पे होते हैं, प्लांट ब्लॉग तो बहुत होते हैं। और अगर आपने मेरे दूसरे चैनल को विजिट नहीं किया जहाँ पे आप ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कार बाइक ट्रैक्टर साइकिल सबसे रिलेटेड वीडियोस आते हैं, वो भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये हो गए हैं यार, ठीक है अब नहीं लेगा ये, एक बार और ट्राई कर लेते हैं हम इसको ठोक के। ठोकने से क्या होता है जो इसकी औकात होती है ना वो दिखा देता है, तो भाई इतना मैं बोर ही हुआ। बहुत गर्मी है, चलो ओके बाय। अब जाना है साफ करके इसको, ये जगह कर दी, इसको साइड में कर देते हैं।